अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी, मौजूद हूं PP 127 में, जहां ज़मीनी इंतखाब मुनाकिद होने जा रहा है। माहर असलम परवाना साबिक सूबाई वज़ीर, वो डीसीट हुए थे मुनारिफ होने के बाद और उनकी नशिस्त खाली हुई थी, जहां इस वक्त इंतखाब होने जा रहा है। माहर असलम परवाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इस वक्त इंतखाब लड़ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल इमार नवाज़ परवाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। यहाँ मैं इस वक्त चिनियोट मोड़ पर मौजूद हूँ। ये शाहरा फैसलाबाद की तरफ जाती है, ये झंग की तरफ जाती है, ये चिनियोट की तरफ जाती है। अहम तरीन ये कारोबारी मरकज़ है, संगम है ये तीन इलाकों को जाने वाली शाहरा का। यहाँ के लोगों से राय जानते हैं कि वो वोट किसे देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन होने जा रहा है आपके हलके के अंदर, किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं? माहर असलम भरवाना को, माहर नवाज़ भरवाना को? इंशाल्लाह नून लीग को। नून लीग को इंशाल्लाह, यानी कि नून लीग की वजह से आप माहर असलम भरवाना को वोट देने जा रहे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माहर असलम भरवाना को या माहर नवाज़ भरवाना को? असलम भरवाना। माहर असलम भरवाना को नून लीग की वजह से, उनकी ज़ाती शख्सियत की वजह से? हाँ जी, जाती भी है, उतर भी है, जाती है, नून लीग की वजह से भी है। इलेक्शन होने जा रहा है, किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं? माहर असलम भरवाना को या माहर नवाज़ भरवाना को? नवाज़ भरवाना को। किसकी वजह से? तहरीक इंसाफ की वजह से, ज़ाती शख्सियत की वजह से? तहरीक इंसाफ की वजह से। आप किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं? इमरान खान को जी। इमरान खान साहब का जो भी उम्मीदवार होगा आपने उसे वोट दे देना है? ये तो मुझे नहीं पता। घर इमरान खान साहब जिस उम्मीदवार को कह दें आप वोट दे देंगे उसे? जी। अस्सलाम वालेकुम। भरवाना को या माहर नवाज़ भरवाना को? माहर नवाज़ भरवाना को। तहरीक इंसाफ की वजह से या ज़ाती शख्सियत की वजह से? तहरीक इंसाफ की वजह से। तहरीक इंसाफ की वजह से। तहरीक इंसाफ उन्हें टिकट ना देती, आपने उन्हें वोट नहीं देना था? जी। इलेक्शन हो रहा है, किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं? माहर असलम भरवाना या माहर नवाज़ भरवाना? हल्का ही नहीं पड़ता अपना तो। अच्छा, किसी को भी नहीं? नहीं, हल्का ही नहीं पड़ता इधर। अच्छा, हल्का ही नहीं है आपका? हाँ जी। इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन होने जा रहा है हल्के के अंदर, किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं? माहर असलम भरवाना को, माहर नवाज़ को? मैं किसी को वोट कास्ट करने वाला नहीं। अच्छा, इसका मतलब कोई क्या वजह? ये कोई निज़ाम है, जमहूरियत अंग्रेज़ का दिया हुआ निज़ाम है। अच्छा। किसी को कॉस्ट नहीं करना चाहता। नहीं, आप समझते हैं कि किसी ने भी आपको कोई फ़ायदा नहीं किया? नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं। वाले इलेक्शन और आपके हलके के अंदर किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं? माहर असलम भरवाना को या माहर नवाज़ भरवाना? अरे फिलहाल कोई सलाह नहीं है, अभी फैसला सरकार भाई वो देना सलाह करेंगे फिर या कितने देने। मतलब आप ज़ाती तौर पे वैसे किसे पसंद करते हैं, तहरीक इंसाफ को या मुस्लिम लीग को? यार इस गल का नहीं मैं कह सकता, भाई नु पता वो देने। अच्छा, उन्होंने पता है। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन हो रहे तो हल्के किन वोट दे रहे हो, माहर नवाज़ नु या माहर असलम नु? नवाज़ नु। PTI की वजह तो या ज़ाती शख्सियत की वजह? PTI की वजह तो। PTI उन्होंने टिकट ना देते तो फिर ही वोट देंगे तुम उन्होंने? वो तो देख लिया ना। अच्छा यार, के फिर देख। वालेकुम सलाम। किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं हल्के के अंदर? इलेक्शन हो रहा है, माहर असलम को देने जा रहे हैं, माहर नवाज़ को? किसे? माहर असलम। माहर असलम को जी। नून लीग की वजह से, उनकी ज़ाती शख्स? नहीं, वो ऐसा इंसान है, वो जो बात करता है ना वो पूरी करता है, यानी वो बातें के पक्के हैं, तो इस वजह से पक्का है, वो मुसलमान है असल में, तो इस वजह से आप मतलब उन्हें वोट कास्ट? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जान से भी देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इलेक्शन और आपके हलके के अंदर किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं? माहर असलम भरवाना को, माहर नवाज़ को? इंशाल्लाह PTI। PTI PTI इंशाल्लाह। तो PTI जो भी लेके आएगी उसे देंगे? उसको देंगे। आप किसे? PTI। PTI को? PTI। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। इलेक्शन हो रहे हैं, हल्के किन वोट देने जा रहे हो, माहर असलम भरवाने नु या माहर नवाज़ भरवाने नु? मैं एजेंट सोर का ही नहीं। हां जी, मैं एजेंट सोर का ही नहीं। अच्छा, कोई सोर कोई नहीं। वालेकुम सलाम। इलेक्शन हो रहा है आपके हलके के अंदर, किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं? माहर असलम भरवाना को, माहर नवाज़ भरवाना को? माहर नवाज़ भरवाना को। PTI की वजह से या उनकी ज़ाती शख्सियत की वजह से? नहीं, वो पीर सियाल उनके सपोर्टर हैं, उनकी वजह से। यानी पीर सियाल शरीफ की वजह से आप उन्हें वोट? हाँ, उन्हें को। देखो हलके के अंदर किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं, माहर नवाज़ भरवाना को या माहर असलम भरवाना को? माहर नवाज़ भरवाना को, PTI को, अपना हजूर पीर सियाल लाजपाल को। अच्छा, PTI की वजह से जा रहे हैं? हमें हमारे मुर्शिद का हुक्म है। अच्छा, पीर सियाल शरीफ जो है उनने हुक्म दिया है, तो आपने वोट उन्हें डालना है माहर नवाज़? हमने जिस साइड पर हमारे मुर्शिद खान होंगे ना, हम वोट उसी को देंगे। जिधर पीर साई होंगे उधर आप? हाँ, हम उधर जाएंगे, हम उनके नौकर हैं, गुलाम हैं। वालेकुम। इलेक्शन हो रहे हैं, हल्के किन वोट देने जा रहे हो, माहर असलम नु या माहर नवाज़ नु? मेरे इलाके इतने नहीं है। अच्छा, थोड़े इलाके दूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन हो रहा है हल्के के अंदर, किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं, माहर असलम भरवाना माहर नवाज़? किसे चोर को वोट नहीं देना, सब चोर है। अच्छा, सारे चोर साहब, कोई छोटा चोर के बड़ा चोर साहब चोर है। अच्छा, बाकी उम्मीदवार भी तो होंगे, कोई उनमें से किसी को देने जा रहे हैं? किसी ने नहीं देना, किसी ने वोट नहीं देना। तहरीक लबैक या दीगर को जमा नहीं वोट देना, किसी को भी सब चोर है। वोट जिस दिन आपने जाने नहीं है, जाने नहीं है वोट देता, हम सब चोर है सारे। वालेकुम सलाम जी। इलेक्शन और आपके हलके के अंदर किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं, माहर नवाज़ भरवाना को या माहर असलम भरवाना साहब? तहरीक लबैक को। तहरीक लबैक को जी। ये दोनों जो बड़ी पार्टीज़ हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि बड़ी पार्टीज़ हैं, तो इन पे आपको अब एतमाद नहीं रहा? एतमाद नहीं रहा, इसी वजह से आप तहरीक लबैक को वोट? इसी वजह से तहरीक लबैक को वोट दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इलेक्शन हो रहे, किन वोट पाएंगा? शेर नू।
शेर नू पाना है मार असलम नू नहीं नहीं हाँ हमारे उधर रहना सनाउल्ला फैसलाबाद अच्छा यानी कि आपका ये हलका नहीं है नहीं है फैसलाबाद अस्सलाम वालेकुम इलेक्शन और आपके हलके के अंदर किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं मार असलम को या मार नवाज को कोई नहीं फिलहाल किसी को अभी फैसला नहीं किया नहीं तेरा है वोट वालेकुम इलेक्शन और आपके हलके के अंदर किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं मार असलम भरवाना को या मार नवाज भरवाना जी मार नवाज भरवाना तहरीक इंसाफ की वजह से ज़ाती शख्सियत जी तहरीक इंसाफ अच्छा पी टी आई उन्हें टिकट ना देती फिर आप वोट देते उन्हें जी फिर भी देते हैं इमरान खान इमरान खान को देते हैं जी इंशाल्लाह यानी कि जिसको इमरान खान साहब ने टिकट देना था आपने उन्हें वोट देना जी जिधर इमरान खान है हम उधर हैं जान दे वालेकुम सलाम इलेक्शन होने जा रहा है आप हलके के अंदर किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं मार असलम भरवाना को मार नवाज को भाई इसमें सोचने वाली कोई बात है पी टी आई है इधर तो बस अच्छा सिर्फ तहरीक इंसाफ को जी तहरीक इंसाफ का जो भी उम्मीदवार होगा आप उसे वोट दें उसी को देंगे अस्सलाम वालेकुम आप किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं मार असलम या मार नवाज नवाज साहब को पीटीआई की वजह से जाती शख्सियत नहीं नहीं पीटीआई की वजह से पीटीआई की वजह से अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी अच्छा इलेक्शन और आपके हलके के अंदर किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं मार असलम भरवाना को या मार नवाज भरवाना मार असलम नवाज भरवाना जो है ना वो अच्छा काम कर रहा है या हमारे भाई अमा के लिए बहुत अच्छे काम कर लिया उसके बारे में जो ज़्यादातर आवाम को है वो असलम भरवाने को चाह रही है ठीक है आगे अल्लाह बेहतर करता है एक हारता है एक जीता हार जीत अल्लाह के इख्तियार में है सलाम तो वोट पाने जा रहे हो मार असलम भरवाने नहीं हो मार नवाज नू मार असलम नू जनाब मार असलम नू जी बिल्कुल नून लीग की वजह तू या उनकी जाती शख्सियत की वजह तू नहीं नहीं नून लीग की नून लीग की वजह तू अस्सलाम वालेकुम मैं बहुत अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाई अच्छा बताया कि आप हलके के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है वोट किसे कास्ट करने जा रहे हैं पी टी आई को देंगे मार नवाज भरवाना को जी तहरीक इंसाफ की वजह से जी हाँ बिल्कुल तहरीक इंसाफ उन्हें टिकट ना देती फिर नहीं देगा जरूर इंशाल्लाह ताला आपने उन्हें इस्लाम किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह नून लीग को देंगे नून लीग को मारा असलम भरवाना को हाँ जी बिल्कुल नून लीग की वजह से वालेकुम अस्सलाम इलेक्शन और आपके हलके के अंदर किसे वोट देने जा रहे हैं मारा असलम भरवाना को या मार नवाज भरवाना को मार नवाज भरवाना को तहरीक इंसाफ की वजह से या जाती शख्सियत उनकी नहीं तहरीक इंसाफ की वजह से यानी पी टी आई उन्हें टिकट ना देती आपने भी वोट नहीं देना नहीं देना था वजह क्या है इतनी कि मकामी शख्सियत को छोड़ के लोग तहरीक इंसाफ का नाम क्यों ले रहे हैं तरीके साहब वो इमरान खान खुद बंदा ठीक है अच्छा, अच्छा बंदा है इस वजह से आप उन्हें जी उस वजह से दे रहे हैं इलेक्शन और आपके हलके के अंदर किसे वोट कास्ट करेंगे मार असलम भरवाना को या मार नवाज भरवाना मार असलम को मार असलम को हाँ। नून लीग की वजह से उनकी जाती शख्सियत उसकी जाती शख्सियत जाती इलेक्शन होने जा रहा है वोट किसे देंगे मार असलम भरवाना को मार नवाज भरवाना को इलेक्शन आपके हलके के अंदर हो रहा है तो वोट किसे देंगे मार असलम भरवाना है मार नवाज भरवाना भैया बल्ले होना उदाई दे भावे असलम है तो भावे नवाज बल्ले को वोट देंगे इधर बल्ला उधर आपका उदाई वोट इलेक्शन और आपके हलके के अंदर किसे वोट देंगे मार असलम भरवाना है मार नवाज भरवाना असलम भरवाना साहब मार असलम भरवाना को नून लीग की वजह से उनकी जाती शख्सियत की वजह से जाती वालेकुम इलेक्शन और आपके हलके के अंदर किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं मार असलम भरवाना है मार नवाज भरवाना सर वैसे तो हकदार तो नवाज भरवाना है जी अच्छा क्योंकि रजीम चेंज हुआ है 100 रुपये का पेट्रोल बढ़ा है अच्छा आपको मालूम है इमरान खान 5 रुपये बढ़ाता था इन्होंने इकट्ठा ही 100 रुपये बढ़ा दिया है और रजीम लगाया वो सारा बोझ आवाम पे पड़ गया है अच्छा। आई समझ 1.5 साल की हुकूमत थी 1 साल और करने देते वो जो भी करता है इन्हें सामने आ जाता है वोट आप किसे कास्ट करने जा रहे हैं नवाज भरवाना नवाज भरवाना जाने वाली शाहरा पे मौजूद लोगों की आपने गुफ्तगु सुनी उनकी क्या राय थी कि वो वोट किसे देना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून को देना चाहते हैं यानी वो मार नवाज भरवाना को देना चाहते हैं या फिर मार असलम भरवाना को ये आपने सुना राय आप खुद कायम कर सकते हैं कि कौन यहाँ से जीत रहा है आवाम किसकी तरह मुतवज्जे फिलहाल अली अमजद चौधरी की इजाज़त दीजिए अल्लाह निकल